हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था न्यूक्लियस. ओके, आज की क्लास में हम सेल के इनर कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके, तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, तो हम जानते हैं इस साइटोप्लाज्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. सुनिएगा ध्यान से. देखिए, हमने देखा था कि अगर बात एनिमल सेल की जाए, कौन सी सेल की? एनिमल सेल की. तो इन केस ऑफ एनिमल सेल दिस आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन. इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या बोला जाता है? सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. इज इट ओके? बात समझ में आई? इसी तरीके से आपने देखा था कि जो न्यूक्लियस है, मैं फिलहाल यहाँ पर ये न्यूक्लियस बना रही हूँ, दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो बाउंडेड विद अ मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या बोला जाता है इसकी मेम्ब्रेन को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप चाहें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलें और आप चाहें तो इसे न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हैं. इज इट ओके? तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच की ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, दिस होल कंप्लीट स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, विद अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड. इज इट ओके? फ्लूइड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है. और इस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का ही क्या नाम होता है? इस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का नाम होता है साइटोप्लाज्म. इज इट ओके? तो ये साइटोप्लाज्म होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. अब हमें जानना है कि साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है. इसके भी तो कुछ, खुद के भी तो कोई काम होते होंगे. तो सुनिएगा ध्यान से, इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले. तो देखिए, सबसे पहला काम होता है इसका स्टोरेज का. किसका क्या काम होता है? साइटोप्लाज्म का. साइटोप्लाज्म का काम होता है स्टोर करना. तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये साइटोप्लाज्म कौन से मटेरियल को स्टोर करता है, तो कुछ नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप कोशिश करिएगा आपको याद रहे. जैसे आपने खाना खाया और खाने के डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइजेस्टेड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. आपका जो खाना होता है वो डाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. तो ग्लूकोज आपने जो खाया, डाइजेस्ट करा, वो डाइजेशन के बाद में कहाँ पर स्टोर रहता है? साइटोप्लाज्म. तो किसको स्टोर करता है आपका साइटोप्लाज्म? ग्लूकोज को. तो क्या सिर्फ ये ग्लूकोज को ही स्टोर करता है? नहीं, ये ग्लूकोज को स्टोर करने के साथ साथ विटामिन्स को भी स्टोर करता है. विटामिन्स को स्टोर करने के साथ साथ ये एमिनो एसिड्स को भी स्टोर करता है. मतलब इट स्टोर्स अ लॉट. इज इट ओके? तो पहला फंक्शन आपने साइटोप्लाज्म का देखा कि इसका जो मेन फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, वो क्या होता है? चीजों को स्टोर करके रखना. इज इट ओके? चलिए हम इस साइटोप्लाज्म का सेकेंड फंक्शन समझते हैं. सेकेंड फंक्शन क्या है ये? इसका काम है साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना. कुछ ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं जो कहाँ पर परफॉर्म की जाती है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखने चाहिए. जैसे एक प्रोसेस जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस. इज इट ओके? ये वैसे तो ग्लाइकोलाइसिस आपको क्लास 10th में पढ़ना है फुल डिटेल में, पर मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आखिर इस ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है. देखो, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है, यहाँ पर ग्लाइको वर्ड का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस वर्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड. इस लाइसिस वर्ड का यहाँ पर मतलब है स्प्लिटिंग. क्या मतलब है लाइसिस वर्ड का? स्प्लिटिंग. तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब
स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, अगर ये ग्लूकोज कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। एंड दिस ग्लाइकोलाइसिस इज डन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इज इट ओके? चलिए और देखिएगा, इसका और काम होता है चीज़ों का फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना, बनाना। तो हम जानते हैं कि आखिर ये किन चीज़ों को सिंथेसिस करता है। सो फर्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड्स का भी फॉर्मेशन करता है और साथ में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो हम एटसेट्रा लिख देते हैं, एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी मोर सब्सटेंसेस। तो हमने यहाँ पर इसका दूसरा फंक्शन देखा, दैट इट परफॉर्म्स अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड इट। वन ऑफ देम इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट इज सिंथेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? प्रोटीन मॉलिक्यूल एज वेल एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ये नाम आपको याद रखने होंगे। अब देखिएगा, जो इसका एक और जो आपको बात आपको साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखनी है, वो है दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग सेल। जब भी हम एक लिविंग सेल की बात करते हैं, तो लिविंग सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दिस साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पोजिशन ऑफ मूवमेंट। इट कंटिन्यूसली मूव, हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ये कौन मूवमेंट करता रहता है? साइटोप्लाज्म। तो देर आर समथिंग, सम पॉइंट्स आर रिटन देयर विच आर रिलेटेड विद द साइटोप्लाज्म। यू हैव टू नोट इट डाउन एंड जस्ट कीप इन योर माइंड, लर्न इट वेरी प्रॉपरली। तो मैं साइड में हो रही हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है बहुत परफेक्टली। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म हमने देखा है, इस साइटोप्लाज्म का और क्या रोल होता है? ये तो आपने सिर्फ साइटोप्लाज्म के फंक्शंस देखे कि आखिर साइटोप्लाज्म इंडिविजुअली क्या फंक्शन करता है। पर देखिए, बात ऐसी है कि ये जो दो तीन फंक्शंस आपने यहाँ पर लिख दिए हैं साइटोप्लाज्म के, सिर्फ ये दो तीन फंक्शंस ही काम के नहीं होते हैं। सेल को तो बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना? बहुत सारे काम, जाने कौन कौन से काम करने होते हैं सेल को। तो चलिए, हम जानते हैं कि आखिर हमारी सेल को काम क्या क्या करने होते हैं। तो चलिए हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, हमारी सेल के बारे में जब बात की जाए, तो सेल में बड़े सारे काम कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से काम कंप्लीट होते हैं? अलग अलग काम। जैसे अलग अलग कौन से काम? जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अगर जानी जाए, तो सेल में काम होता है रेस्पिरेशन का। क्या आप समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। रेस्पिरेशन का मतलब होता है लिब्रेशन। किस चीज़ का लिब्रेशन? लिब्रेशन ऑफ एनर्जी। किसका लिब्रेशन? एनर्जी का लिब्रेशन। एनर्जी निकालने का काम करती है हमारी सेल। अगर सेल ही एनर्जी बना लेती है, तो एनर्जी के लिए आपको खाना खाने की क्या ज़रूरत है? देखो, बात ऐसी है कि एनर्जी सेल नहीं बना रही है, है ना? एनर्जी आपके खाने में से सेल निकाल रही है। जो आपने खाना खाया, उसमें से एनर्जी निकालने का काम कौन करा करती है? सेल करा करती है। ओके, सो दिस इज़ द लिब्रेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द, कहाँ से निकाली जाएगी एनर्जी? सेल में से? नहीं नहीं सेल के अंदर निकाली जाएगी। कहाँ से निकाली जाएगी? लिब्रेशन ऑफ एनर्जी विल बी डन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। कहाँ से निकाली जाएगी एनर्जी? एनर्जी निकाली जाएगी डाइजेस्टेड फूड में से। इज इट ओके? और भी कोई काम होते हैं क्या सेल के? बिल्कुल, और भी कोई काम होते हैं। दूसरा जो काम होता है सेल का, वो होता है सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को बनाना। तो
तो चलिए देखते हैं कि हमारी सेल कौन कौन सी चीज़ों को बनाती हैं। जैसे हमारी सेल को बनाना होता है प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है, और कुछ तो ऐसा भी होता है कि खाना भी बना लेती हैं सेल। आपको पता तो है, याद करो जरा कौन सी सेल खाना बना लेती है, ये आप सोचना, तब तक मैं आगे बताती हूँ कि और क्या क्या बनाती हैं हमारी सेल्स। फिर हमारी सेल्स को फॉर्मेशन करना होता है लिपिड्स का, विच आर द फैट मॉलिक्यूल्स। तो देखो, हमारी सेल को प्रोटीन बनाना है, हमारी सेल को फूड बनाना है, हमारी सेल को लिपिड्स बनाना है, मतलब ये सेकेंड फंक्शन हो गया हमारी सेल को, दिस इज द सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, इज इट ओके। तीसरा जो काम होता है सेल का, वो होता है डाइजेस्ट कर जाना, इज इट ओके। मानो कि सेल में कोई हार्मफुल जर्म्स एंटर हो गए, हार्मफुल वायरस एंटर हो गए, तो हार्मफुल जर्म्स के लिए, हार्मफुल वायरसेस के लिए इनको क्या करना है, बने रहने देना चाहिए बॉडी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, सेल को इनको क्या करना होता है, इनको खा के ख़त्म करके डाइजेस्ट कर लेना होता है। मतलब ये भी एक काम है। मतलब बात ये हुई कि हमारी सेल को अलग अलग डायरेक्शन में ढेरों काम करने होते हैं, बिल्कुल अलग अलग टाइप के, डिफरेंट कैटेगरी के, है ना। तो देखिए जरा, जैसे पहला फंक्शन हमने देखा रेस्पिरेशन, दूसरा फंक्शन हमने देखा सिंथेसिस, प्रोटीन का अलग, फूड का अलग, लिपिड का अलग, ये तो मैंने तीन नाम लिखे हैं। अ लॉट ऑफ सिंथेसिस आर गोइंग टू बी डन इन आर सेल, ओके। नेक्स्ट इज डाइजेशन, इफ एनी हार्मफुल पार्टिकल, हार्मफुल जर्म्स, हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द सेल, देन इट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड, उसको खा के ख़त्म करना होता है। तो अब बात ये है कि ये सारे के सारे काम क्या ये साइटोप्लाज्म कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, इन दैट कंडीशन दीज फंक्शंस विल बी कंप्लीटेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो ऑल दीज फंक्शंस विल बी डन बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं उनको हम? उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर हल्की सी हिंट दे देती हूँ कि बात अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस की जाए, विच इज द लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, देन दिस फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन विल बी डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन आर साइटोप्लाज्म। बात अगर सिंथेसिस की जाए, फॉर्मेशन की, अगर बात प्रोटीन फॉर्मेशन की जाए, तो प्रोटीन फॉर्मेशन विल बी डन बाय राइबोसोम्स। प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करता है हमारी सेल के अंदर? राइबोसोम्स। अगर बात फूड प्रिपरेशन की जाए, तो क्या ह्यूमन बीइंग्स फूड भी प्रिपेयर कर लेते हैं? नो, नॉट एट ऑल, वी कैन नॉट प्रिपेयर आर ओन फूड। देन कौन से लिविंग बीइंग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? ओनली प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, याद है ना आपको। तो अगर प्लांट सेल की बात की जाए, तो द फूड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द प्लांट सेल, एंड द पार्ट वेयर द फूड विल बी प्रिपेयर्ड, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इज इट ओके। आगे देखिए, अब हम जानने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड क्या होते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, बार बार बता रही हूँ मैं आपको। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर द फैट मॉलिक्यूल्स, एंड दीज लिपिड्स मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन फॉर्मेशन करता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का? इन लिपिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इट ओके। आगे देखो, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द डाइजेशन। दिस इज नॉट द डाइजेशन ऑफ फूड,
है ना, ये डाइजेस्ट लिख रही हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं है ना, डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट कर लेती है, हमारी सेल हार्मफुल जर्म्स को, हार्मफुल वायरसेस को। जो वाइट ब्लड सेल हैं उनका तो काम ही क्या होता है, सारी हार्मफुल जर्म्स को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को कैप्चर करके खा जाना, और उसके बाद में ये हार्मफुल जर्म्स और वायरस को फाइनली जो सेल ऑर्गेनल डाइजेस्ट करता है उसका नाम होता है लाइजोसोम्स। क्या नाम होता है उसका? लाइजोसोम्स। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स, जिनका काम होता है, क्या काम होता है जिनका? डाइजेशन का। किसको डाइजेस्ट करते हैं? ये हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया और वायरस को खा के ख़त्म करके डिसअपीयर कर देते हैं। तो फाइनली थ्रू दिस टॉपिक वी आर एबल टू नो दैट द डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शन 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 आर गोइंग टू परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, इज इट ओके, एंड दे ऑल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ मिलते हैं हमको? साइटोप्लाज्म में। तो हमें वन बाय वन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबके बारे में जानना है, फुल डिटेल में जानना है, तो हम जानेंगे, पर उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इज इट ओके। हाँ जी, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद में हम अब क्या जानने जा रहे हैं देखिएगा ध्यान से। हम पढ़ तो साइटोप्लाज्म ही रहे हैं, भूलिएगा मत। हम साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेडी है ना आप पढ़ने के लिए? आप बिल्कुल रेडी हो जाने चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतने ध्यान से सुनिएगा कि आपको है ना पढ़ते पढ़ते लर्न भी हो जाए पढ़ाई हुई बातें, ओके। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा उसके लिए। तो रेडी है ना ध्यान से सुनने के लिए? तो रेडी रहिएगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनल, बार बार मैं वर्ड जो बोल रही हूँ, दीज आर द सेल पार्ट्स ऑफ द सेल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऐसे खाली फ्लूइड नहीं होता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका? सबसे पहले सेल ऑर्गेनल जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिखा जाता है ER। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैं कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बताने जा रही हूँ। जैसे ये मैंने बनाया, ये क्या बनाया है मैंने? न्यूक्लियस बनाया। क्या बनाया? न्यूक्लियस। यूँ माने कि दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसे बीच में से काट के दिखा रही हूँ मैं, 3D होती हैं आपकी सेल्स, हम 2D बोर्ड पर बना रहे हैं, तो ज़रा इमेजिन करिएगा, जैसे बॉल को बीच में से काट दिया जाता है ना, ऐसे मैंने न्यूक्लियस को बीच में से काट दिया है ताकि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे, ओके। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन्स। क्या है ये डबल मेम्ब्रेन्स? दे आर द न्यूक्लियर एनवलप, जिसका दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम चलो लिखते जाते हैं, मेंशन करते जाते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन्ड इन द फिगर ऑफ बायो। सो दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दिस कंप्लीट पार्ट दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। इसका क्या नाम है? इसका नाम है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस आपने बनाया है, इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। कौन कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से? वही जो मैं बना रही हूँ। क्या बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पहले भी बना चुके हैं, जब हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने इसको, तब भी बनाया था, तो बस वही बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बन रहा है ये? ये बन रहा है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैटेंड सैक की तरह चपटी चपटी लेयर्स बनी हुई हैं, और इन चपटी चपटी लेयर्स के बीच में भरा होता है फ्लूइड। क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है, ध्यान से देखिएगा। और बनाते जाइए, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से कनेक्टेड हैं, ये भूलिएगा मत। नाम नाम है न्यूक्लियस, दे आर कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस। किससे कनेक्टेड है ये? न्यूक्लियस से। क्या बनाया है आपने ये? ये आपने बना दिया है एंडोप्लाज्मिक, बहुत ध्यान से सुनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया आपने। क्या बनाया आपने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट ओके? यहाँ भी बना दीजिए थोड़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमने बना दिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट ओके? बिल्कुल चपटा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, और फ्लूइड इनके अंदर भरा हुआ होता है। किसके अंदर भरा होता है फ्लूइड? इसके अंदर। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा देखिएगा, और भी अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इज इट ओके? दे आर ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके अब देखो, आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो गोल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ये जो अलग अलग बनाए हैं, मैं इनके लिए भी आपको बोल रही हूँ कि ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका शेप आपको अलग दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसका शेप आपको अलग दिख रहा है, और दोनों का शेप अलग दिखने के कारण आप ये बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप के हिसाब से कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है? शेप के हिसाब से थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो वो थ्री पार्ट्स मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। देखिएगा, एक तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये कहाँ मैच कर रहा है आप खुद मैच करिएगा। एक तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये न्यूक्लियस छोड़ दीजिए आप, तो इस न्यूक्लियस के अलावा ये जो बचा हुआ हिस्सा है, दिस कंप्लीट पोर्शन, दिस कंप्लीट पोर्शन, आप यहाँ भी बना सकते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इज इट ओके? तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर शेप हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो तीन शेप मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ दूसरा शेप, इज इट ओके? और ये हुआ तीसरा शेप, इज इट ओके? तो ये तीन तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं हमको, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। ध्यान से सुनते जाइएगा, ये जो टाइप वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपको दिख रहा है कि समथिंग शुड बी फिल्ड इनसाइड इट, मैं बार बार बोल रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, सो दीज ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल वट एवर द शेप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, इट इज फिल्ड विथ सम फ्लूइड, इज इट ओके? शेप्स आर डिफरेंट बट ओके। सो दिस फर्स्ट टाइप ऑफ शेप इज नोन एज सिस्टरने। इसको क्या बोला जाता है? ये जो फर्स्ट शेप आपको दिखाई दे रहा है सिस्टरने, दिस इज सिस्टरने। दिखाई दे रहा है आपको ये कहाँ पर है? अगर आप इस शेप को हमारे न्यूक्लियस से कनेक्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ढूंढना चाहोगे, तो क्या ये वो शेप है सिस्टरने वाला? बिल्कुल। क्या यहाँ पर भी ये वो शेप है जिसे आप सिस्टरने नाम दे सकते हो, विच मैचेस विद द शेप ऑफ दिस? बिल्कुल, डेफिनेटली, ओके। ये जो दूसरा शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्क्यूलर थोड़ा फैटी सा शेप जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस 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 एंड दिस, दिस शेप इज नोन एज वेसिकल। इस शेप को क्या बोला जाता है? इस शेप को बोला जाता है वेसिकल्स, इज इट ओके? और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स दिखाई दिए आपको यहाँ पर, ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल, इज इट ओके? तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब्यूल, इज इट ओके, वी कैन फाइंड इट हेयर, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो फाइनली मैं आपको दोबारा से बताने जा रही हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किससे कनेक्टेड है? न्यूक्लियस से।
ओके और कितने डिफरेंट शेप में अवेलेबल है, दीज थ्री शेप्स आर हेयर, सिस्टर्ने, नेक्स्ट इज वेसिकल्स एंड थर्ड इज ट्यूब्यूल्स, इज इट ओके। अब यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्ने, इट हैज सम ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स विच आर अटैच्ड ऑन इट सरफेस। ये इसके ऊपर देखिए, ये ग्रैन्यूलर दानेदार स्ट्रक्चर इसके ऊपर अटैच होता है। किसके ऊपर अटैच है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है? विच आर इन द शेप ऑफ सिस्टर्ने, जो किसकी शेप में है? सिस्टर्ने की शेप में है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ पर सब जगह ही अटैच है। क्या बोल रही हूँ मैं इनका नाम बार बार? दीज आर द ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स। पर क्या इनको सिर्फ बायोलॉजिकल लैंग्वेज में भी ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स ही बोला जाता है? नहीं नहीं नहीं, इनको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इन ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया गया है, दीज आर द राइबोसोम्स। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है राइबोसोम्स। देखिए, ये राइबोसोम्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, मतलब व्हेनेवर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन द शेप ऑफ सिस्टर्ने, दीज ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन इट, एंड दीज ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम्स। क्या बोला जाता है इन ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स को? राइबोसोम्स, इज इट ओके। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो ट्यूब्यूल फॉर्म में और जो वेसिकल फॉर्म में जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, इस पे ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ है और यहाँ नहीं है, ओके। ये शेप मैं अब यहाँ से रफ करने जा रही हूँ, एज वी नीड दिस स्पेस, तो आप इन शेप्स को बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। तो आपने बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा ज़रूर, डेफिनेटली। तो आप देखिए आगे ध्यान से, तो हमने देखा कि यहाँ ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इट ओके, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। नाम से समझ गए आप इनकी जो स्पेशल कैरेक्टर है वो समझ गए होंगे, कि दिस पार्ट विच हैव दीज राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस, ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑन इट सरफेस, इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इट ओके, एंड दिस पार्ट which does not have these granular structural ribosomes on its surface, this part is known as smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ इन अपियरेंस, दिस इज स्मूथ इन अपियरेंस। As it has ribosomes on it, it does not have ribosomes on it. आ गई बात समझ में? इस rough endoplasmic reticulum को short में RER भी लिखा जाता है, rough endoplasmic reticulum, और ये जो smooth endoplasmic reticulum है इसको short में SER भी लिखा जाता है, S for smooth, E for endoplasmic, R for रेटिकुलम। तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम थोड़ा और पढ़ेंगे, ओके। तो आपने ये फिगर ड्रॉ कर लिया होगा, इस फिगर के साथ में हमें ये बात समझ में आई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं। अब मैं इस फिगर को यहां से रफ करने जा रही हूं, अगर आपने अभी तक भी नहीं ड्रॉ किया है तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है, विच इज़
डायरेक्टली कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवलप। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, तो फंक्शंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, तो हम उन दोनों कैटेगरीज के क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हम लोग जानने जा रहे हैं। तो अब मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, दिस इज आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट इज एस ई आर, एस ई आर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं देखिएगा। दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ इन अपीयरेंस, ये कैसा दिखता है, रफ दिखता है, खुरदुरा होता है ये, इज इट ओके। सो दिस इज रफ इन अपीयरेंस, और इसके रफ होने का क्या कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इज इट ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपको जानना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपको बताने की भी ज़रूरत है, फर्स्ट पॉइंट तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं, दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ इन अपीयरेंस। क्यों होते हैं ये स्मूथ अपीयरेंस में, खुरदुरे नहीं होते हैं ये, एज दे डोंट हैव ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर ऑन देयर सरफेस, सो इट इज स्मूथ इन अपीयरेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, इज इट ओके। तो ये हमने जाना फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड फंक्शन, जो सेकेंड डिफरेंस है सॉरी, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, कौन से शेप में अवेलेबल है ये, वेसिकल्स, नहीं नहीं नहीं, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द शेप ऑफ, इन द शेप ऑफ, बताइए क्या लिखा जाए यहाँ पर, इन द शेप ऑफ सिस्टर्ने, इज इट ओके। एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, इज इट ओके। जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, इसी कारण से रफ एंडोप्लाज्मिक का भी जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इज इट ओके। सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, इज इट ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वेयर एज एज नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये किसका फॉर्मेशन करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब तो नहीं भूल गए ना, लिपिड्स का मतलब फैट मॉलिक्यूल। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर ई आर एंड एस ई आर, यू हैव टू नोट इट डाउन, नोट डाउन करेंगे आप इसे। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और ये तो हमने डिफरेंसेस जाने बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको जानने हैं कि अगर हम नॉर्मल कॉमन फंक्शंस जानना चाहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के,
तो इसके कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं वो देखिएगा, इज इट ओके। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स अ स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, मतलब एक तरीके का स्केलेटन प्रोवाइड कर देता है यह सेल को, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा तो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो कनेक्टेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। समझ रहे हैं आप, एक पार्ट न्यूक्लियस से और दूसरा सेल मेम्ब्रेन से। और ऐसा होने के कारण जब न्यूक्लियस से मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने होते हैं तो उस काम में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मदद करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन इसका क्या लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकेंड फंक्शन लिखने जा रहे हैं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ वन सेल टू अनादर सेल, इज इट ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, आगे देखिएगा। तीसरा काम होता है इसका फॉर्मेशन करना, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस किस की फॉर्मेशन में मदद करता है ये, फर्स्ट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज लिपिड्स मॉलिक्यूल, भूले तो नहीं ना आप। प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दीज आर द कॉमन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नोट डाउन करेंगे आप इन्हें। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप फंक्शंस नोट डाउन करेंगे। हमने हमारे फर्स्ट सेल ऑर्गेनल को कंप्लीट कर लिया है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हमको पढ़ने हैं, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।